ओके तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग गाइजर एमसी को अपने माइनक्राफ्ट सर्वर में कैसे सेटअप कर सकते हो, वेल वो भी एफटीपी में या फिर क्लाइंट होस्टिंग में, क्योंकि एटर्नोस में तो वन क्लिक में सेटअप हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा ना परेशानी होता है इसको सेटअप करने में। तो मैं इसी का थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल टाइप को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको इजीली सेटअप कर सकते हो। तो पहले यहाँ पर मेरे पास एक माइनक्राफ्ट का सर्वर है, इसमें मैं सेटअप करके बताने वाला हूँ। पहले तो मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ ताकि इसका फाइल एक बार मतलब लोड हो जाए सारा। ओके तो थोड़े बाद आपका सर्वर ऑनलाइन हो जाएगा एंड विल इसके बाद आपको फाइल मैनेजर में आ जाना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर एक प्लगइन का फाइल ढूंढना होगा जो यहाँ पर है एंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर पहले एक ही देखेगा बट मैंने अभी जस्ट दोनों को अपलोड कर रहा है, तो आप लोग को ये दोनों को अपलोड कर लेना है एंड मतलब एक गीजर एम से एक फ्लोट गेट है, मैं इन दोनों का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है यहाँ से। एंड ये दोनों अपलोड हो जाने के बाद आपको सर्वर को वापस से रीस्टार्ट कर देना है ताकि एक बार सर्वर वापस से रीस्टार्ट हो जाए एंड सारा उसका फाइल वापस से लोड हो जाए। मतलब आपको यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि कंसोल चेक करते रहना है ताकि यहाँ पर कोई एरर आए तो आपको पहले ही पता मालूम चल जाए। तो तुम लोग यहाँ पर देखो कि स्पीडो गोट और गीजर एमसी लोड हो चुका है, बट आप लोग अब बोलोगे कि इसमें तो हो गया बट अब मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ किसी का प्रॉब्लम आ जाए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए। यहाँ पर आपको पोर्ट दिख रहा होगा तो आपको सिंपली इस पोर्ट को ही कॉपी कर लेना है यहाँ से एंड इसके बाद आपको कॉपी करके फाइल मैनेजर वाले में वापस में आ जाना है एंड यहाँ पर फिर से प्लगइन्स वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ पर देखो कि दोनों का एक फाइल बन के आ चुका होगा, तो आपको गीजर स्पीडो गोट में जाना है एंड यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर डॉट वाईएम में जाना है एंड आपको यहाँ पर ढेर सारा कोड दिखेगा, तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले एंड इधर पे एक और पोर्ट का ऑप्शन होगा, मतलब शुरू पोर्ट और ए वाला पोर्ट, मतलब कि एक एड्रेस के नीचे वाला पोर्ट को पहले चेंज करना है यहाँ से एंड जितने भी इसमें पोर्ट नाम से होगा ना आपको सबको चेंज ही कर देना है, बोलो तो मतलब कि इसको हटा देना है। तो मैं भी फटाफट हटा देता हूँ और हमारा पोर्ट है यहाँ पर 25640। ओके लेट्स गो। और हाँ, आपको यहाँ पर एक और दिखेगा, मतलब एक और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक और पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा जो कि जस्ट आपका एड्रेस के नीचे होगा, तो आपको इसको भी चेंज कर लेना है। तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर है 25640। एंड ये दोनों को सेटअप करने के बाद आपको सिंपली फाइल को सेव कर देना है, ये जो पूरा कॉन्फ़िगर डॉट वाई एम एल आपका जो है। ओके एक मिनट मैं फटाफट इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद आपको कंसोल में वापस आ जाना है एंड एक बार और सर्वर को रीस्टार्ट कर देना है। ओके थोड़ा टाइम लगेगा अभी शुरू में सारा फाइल को लोड वगैरह होने में, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ओके तो तुम लोग यहाँ पर देखो कि गीजर का मैसेज आ चुका है कंसोल पे एंड लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोटिस करना है कि आपका गीजर कौन से पोर्ट पे ऑनलाइन हो रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पर लीक क्या आ रहा है कि गीजर एम से यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ पहले। ओके तो तुम लोग यहाँ पर देखोगे गीजर एमसी मतलब यहाँ पर स्टार्टेड गीजर ऑन यहाँ पर 00, मतलब 00 मतलब आपका होगा कि डिफ़ॉल्ट जो आपका यहाँ पर पोर्ट दिया ना इसी की बात कर रहा है, 00 आप मत लिख देना वहाँ पर। और यहाँ पर 25640 मतलब कि यहाँ पर आपको मेल कर लेना है कि आपका है कि नहीं, मतलब दोनों मैच कर रहे कि नहीं, अगर नहीं होगा तो आपका सर्वर यहाँ पर एरर कर देगा और इधर पे आपका लोड ही नहीं होगा कुछ फाइल वगैरह एंड सब कुछ क्रैश हो जाएगा एंड फिर सबको सर्वर को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बताता हूँ सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैच कर लेना है कि दोनों एक इक्वल है कि नहीं। तब मतलब आपको रैंडमली डालने के बाद आपको यहाँ पर पोर्ट भी डाल देना बगल में, तो मेरा पोर्ट है 25640। ओके यही है 25640। ओके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राइट साइड। ओके तो अब आपको ना सेव कर देना है यहाँ पर क्योंकि हमारा काम हो चुका है एंड हाँ तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ एंड देखते कि वर्क करता है फिर नहीं, अभी तक पिंग तो नहीं आ रहा बट हाँ देखो कि यहाँ पर हम लोग आ चुका है। ओके और हाँ गीजर का नेम भी यहाँ आ रहा है एंड तुम लोग देखो कि सर्वर अब वर्क कर रहा है एंड मैं ज्वाइन कर भी दिखा सकता हूँ तुम लोगों को।
ओके, तो तुम लोग देखो कि हम लोग सर्वर में वापस आ चुके हैं एंड यहाँ पर देख पा रहे हो कि जावा प्लस पी का सर्वर तुम लोगों का बन चुका है एंड तुम लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, और तुम लोग एक काम करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे टोटल वीडियो बनाते रहता हूँ। एंड अगर आप लोगों को कोई सभी दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ।